हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने ये बात आगे आते हुए क्लियरली सर्टिफाई कर दी है कि जो दो लोग इन्वॉल्व थे कन्हैया लाल के मर्डर में, उनके कोई लिंक्स नहीं थे पाकिस्तान के साथ। हालांकि एनआईए के जांच में एनआईए को ये पता चला कि उनमें से एक शख्स 2014 में कराची गया था और उनके मोस्ट सर्टनली लिंक्स थे दावत इस्लामी के साथ। इसमें इंडिया को क्या करना चाहिए कि हमारी सरकार बीच में इंटरफेयर करके उन सारे कंटेंट में नज़र रखनी चाहिए जो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में आता है, चाहे वो यूट्यूब से हो या फिर वो किसी भी तरीके से हो, ताकि कल को ऐसा एक और इंसिडेंट ना हो जहां पे इस कंटेंट के चलते हमारे सिटीजन ब्रेन वॉश हो और फिर ऐसे इंसिडेंट्स हो जहां पे सिर्फ ब्लडशेड हो और सिर्फ तबाही ही हो। और इस मर्डर के पूरे केस में अब एक और बहुत ही स्ट्रेंज और स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा है कि नकुल शर्मा इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग्स और उनके चलते ही कन्हैया लाल जी की जान गई है। अब इसमें एक बात बहुत गौर से देखने वाली ये है कि ये जो उन्होंने कहा है ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है या फिर ये कोर्ट के दौरान नहीं कहा है, ये चीफ जस्टिस ने आउट ऑफ द केस कहा और इसका लीगली कोई भी वेटेज या फिर कोई बाइंडिंग नहीं है। बट इट इज़ वेरी सैड टू सी कि बहुत से न्यूज़ आर्टिकल्स इस बात को उठाकर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को ये कही। अब अगर बात करते हैं कि नुपुर शर्मा आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में गई ही क्यों है, तो इसका रीज़न ये है कि बहुत से वेरियस स्टेट्स में हाई कोर्ट्स में नुपुर शर्मा के खिलाफ बहुत से केस दर्ज किए गए हैं, बहुत से एफआईआर फाइल की गई हैं। तो नुपुर शर्मा जी को फिजिकली बहुत से कोर्ट्स में प्रेजेंट होना पड़ेगा और ये केसेस लड़ने पड़ेंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें बहुत बार डेथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं और अगर इतने अलग अलग स्टेट्स में जाके वो ट्रैवल करेंगी और लड़ेंगी तो उनकी जान को भी बहुत बुरी तरह से खतरा है। तो इसीलिए नुपुर शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट गई थी ताकि उन्हें कोई रिलीफ या रिस्पाइट मिले, ताकि उन्हें अलग अलग जगह जहाँ के केस ना लड़ना पड़े और सारे केसेस एक ही जगह फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाएं। बट अभी इस केस में कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आई है और तो और इसमें कोई भी अच्छा आउटकम नहीं दिख रहा है। बट ऑन ए सीरियस नोट, हमारे गवर्नमेंट को अब थोड़ा और ज़रा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर ये केस थोड़ा और ज़्यादा दिन ड्रैग होगा तो ये सिर्फ हमारी इज्जत और हमारे बहुत मुश्किल से कमाई हुई रेपुटेशन को मिट्टी में मिला देगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।